हेलो फ्रेंड्स, एनडीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। एनडीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और चटपटी स्टोरीज। तो दोस्तों देखना ही रहेगा आज एनडीसी न्यूज में आपके लिए क्या है खास। एक बहू ने बहुत बड़ी मिसाल पेश की है। दरअसल भारत में सास बहू का रिश्ते को खट्टा मीठा रिश्ता होता है, लेकिन एक ऐसी ही लड़की है जिसने अपनी सास के लिए बाल कटवा लिए हैं। हम निमित वर्मा राजेश की बात करें हैं, जिन्होंने अपनी पीड़ित सास के लिए ये बलिदान दिया है। निमित वर्मा राजेश एक फाइनेंस कंपनी में अकाउंटेंट हेड हैं और उनकी सास कैंसर से पीड़ित हैं। कैंसर के दौरान जब पीड़ित की कीमोथेरेपी होती है, उस दौरान उनके बाल झड़ जाते हैं। इसी वजह से कई पीड़ित तो अपनी कीमोथेरेपी से पहले ही अपने पूरे बाल कटवा लेते हैं। ऐसा ही निमिथा की सास की कीमोथेरेपी पर होना था, तो उन्होंने सास को हौसला देने के लिए अपने बाल कटवा लिए। एक अखबार से बात करते हुए निमित ने कहा कि वो चाहती थी है कि उनकी सास को कैंसर से किसी भी किस्म का डर ना लगे। उन्होंने कहा कि जब उनके बाल झड़ने लगे थे तो उनसे मैंने कहा, देखिए माँ, मैंने भी अपने बाल कटवा लिए, इट्स ओके। निमिथा ने आगे कहा, मेरे बाल कटवाने से उन लोगों को भी सहायता मिलेगी जो भी नहीं खरीद सकते हैं। आपको बता दें कि निमिथा ने अपने बालों को डोनेट कर दिया है। कैंसर बीमारी में जो कीमोथेरेपी होती है, उस दौरान बालों के जो ग्रोइंग सेल्स होते हैं वे टूट जाते हैं। निमिथा की सासू माँ को कैंसर है, जिसके लिए उनकी भी कीमो होती थी। अपनी सास का ऐसे समय में साथ देकर निमिथा ने सास बहू के रिश्ते को एक नई मिसाल दी है। कैंसर के मरीज को जब उसके परिवार से इमोशनल सपोर्ट मिलता है तो आधा ही सही हो जाता है। निमित जिस तरह से वे अपनी सास के साथ खड़ी रही, वैसे ही हम सबको भी अपने परिवार वालों के साथ खड़ा होना चाहिए। जैसा निमित ने किया है वैसा ही हमें जरूर करना चाहिए।